हाय फल्को, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं इधर अपने टिकटॉक के लिए भी बना रही हूँ रेसिपी, और आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ये मेरा फोन भी पड़ा हुआ है, मैंने कहा ये भी आपको आज सारा दिन दिखाई देगा। तो आज मैं बना रही हूँ एक डिफरेंट किस्म का फजीता राप, कोई उसे फहीता राप कहते हैं, कोई फजीता राप कहते हैं। तो आज मैं अपने तरीके से वो बनाऊंगी, तो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 2 ब्रेस्ट के ऐसे लंबे करके, मैंने ऐसे फिंगर साइज के लंबे मैंने पीस कर दिए हैं, ये मैंने ले लिया है। सो फॉर दिस रेसिपी आई टेक 1.5 ब्रेस्ट पीस एंड कट इट लॉन्ग पीस लाइक द फिंगर साइज फॉर लाइक 1 स्पून oil, or just brush your pan and cook that for 2 to 3 minutes. And after 2 to 3 minutes, add 1.5 teaspoon garlic, chopped garlic. अब मैंने 1.5 टीस्पून गार्लिक इसमें मिला दिया है। थोड़ा सा इसको पका लूंगी 1-2 मिनट के लिए और अब मैं 3 इस छोटे साइज के रेड ऑनियन इसमें काट दूंगी बड़े बड़े करके। एंड नाउ आई एम गोना कट 3 रेड ऑनियन बट लिटिल बिट बिग पीसेस। बस इतने बड़े पीस काट दूंगी। सो जस्ट बिग पीस लाइक दैट। इसको भी अच्छी तरह से कुक करूंगी इसके अंदर। ऑनियन को थोड़ा सा अलग अलग भी साथ चमची के साथ करती जाऊंगी। अब मैं डाल दूंगी 1/2 कप के बराबर स्प्रिंग ऑनियन, कुक द अगेन फॉर 2 to 3 मिनट। नाउ टाइम टू ऐड सम मसाला। सो फर्स्ट 5 स्पाइस माय फेवरेट। एंड देन थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, एंड 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड पपरिका, 1/2 टीस्पून मिक्स मसाला एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। कुक द अगेन फॉर 1 मिनट। इसको आप अच्छी तरह से कुक कर लें कि ये 3/4 तक कुक हो जाए, कि आपका मीट बस 3/4 के करीब कुक हो। और अभी मैं 3/4 का ये बेल पेपर इसमें ऐसे लंबा लंबा करके काट रही हूँ, बिल्कुल लंबा लंबा, जैसे चिकन लंबी लंबी काटी थी वैसे आपने ये भी लंबा लंबा करके काटना है। ठीक है, ये कट गया है। एंड नाउ मिक्स द एंड नाउ माई येलो बेल पेपर। और अब मैं 3/4 अपने येलो ब्लैक पेपर सॉरी बेल पेपर को काट दूंगी, अगेन लॉन्ग।
and now mix that as well. इसको एक मिनट से तकरीबन थोड़ा सा कम या एक मिनट के करीबन इसको पका लें। और अब मैं डाल दूंगी बड़े बड़े पीस करके तीन टोमेटो भी। एंड नाउ आई एम गोना कट थ्री टोमेटो बट अगेन बिग पीसेस। सो लाइक दिस, ऐसे थोड़े से बड़े पीस काट दूंगी। Now mix it again. Cook for another 2 minutes. Now time for some lemon. Squeeze half a lemon. एंड आखिर में आके सम कोरिएंडर एंड टू द एंड सम कोरिएंडर। सो तब तक आप इसको कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, नीचे से सारा ये जूस सा ख़त्म ना हो जाए। इसको कुक करेंगे और फिर एक डिश में रख देंगे साइड पे। ये हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। एंड नाउ दिस इज डन, सो वी कीप द साइड। और अभी मैंने एक बाउल ले लिया है, सो आई टेक नाउ अ बाउल एंड आई एम गोना फॉर लाइक 1 tablespoon tomato puree. Okay. And about 2 tablespoon tomato ketchup. 1 tablespoon barbecue sauce. ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, बारबेक्यू सॉस। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, इसको भी एक साइड पे रख देंगे। एंड नाउ हीट माय रफ जस्ट फॉर 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के लिए अपने रफ को मैं हीट कर लूँगी, क्योंकि गर्म रफ अच्छा लगता है, ठंडा हो रफ तो फिर उसका इतना मज़ा नहीं होता। ये हो गया है, अब मैं अपना दूसरा रैप गर्म कर दूंगी। तीसरा भी कर दूंगी, मैं 3 अभी बना रही हूँ, बाद में देखूंगी। इतने मिक्सचर में मेरे 12 रैप तो तकरीबन बन ही जाएंगे। नाउ आई टेक 1 ऑफ माई रैप विच इज ऑलरेडी हीटेड, पुर 1 स्पून माई सॉस, स्प्रेड इट। सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। Take my chicken, place it on the side. Take as much as you want. और इसको ऐसे रख, and now wrap it here, and then wrap it there. Push it little bit, and push it again, and push it again. And this is my beautiful wrap
रेडी। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप इसमें कोई भी सैलड भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें लगता है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं। ये दूसरा भी बन गया है और अब ये मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे रैप तैयार है। आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे और अब ट्राई करते हैं इसको। तो मेरे रैप रेडी है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक छक्का मार दिया और अब आप लोगों के सामने भी ट्राई करती हूँ। भूख लगी हुई है, ये मेरी 23वीं रेसिपी है जो आज मैं बना रही हूँ। तो चले बिस्मिल्ला। ऑलरेडी मैंने एक बाइट ले लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप कहेंगे कि मैंने बनाया है तो हाँ हाँ मैं सिफत करूंगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती, कसम से वो रेसिपी मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ। मैं बना लेती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं वो डिलीट कर देती हूँ। तो ये याद रखें, मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि या रेगुलर बेस पे मैं बनाती रहती हूँ और मेरे सारे फैमिली को पसंद होती है, या फिर मैं बना लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग जाती है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड कमेंट्स। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मैं बेशक उसमें 30, 40, 50 की जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं सारे पढ़ती हूँ, ये आप याद रख लें। तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मैं पोस्ट करूँ, नहीं तो फिर मैं ना पोस्ट करूँ। चलिए इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आपको अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह के हवाले, अल्लाह ने के बान, खुश रहें एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।